बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन को देखें कुछ इस तरीके से, अ नंबर इज सेड टू बी रियल इफ इट इज आइदर रेशनल और इरेशनल। इसका मतलब ये है कोई भी नंबर, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, रियल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से, और ये एक ऐसा सेट होता है इसमें एक्स कोई एलिमेंट है जबकि वो एलिमेंट बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, और वही एलिमेंट बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं। ठीक है, सपोज करें सबसे पहले कुछ हम नोट लिख रहे हैं। नोट नंबर वन, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन बिटवीन टू रियल नंबर्स। मतलब हमारे पास अगर दो रियल नंबर हों उनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उसके बाद नंबर टू पॉइंट इज दैट के सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर ऐड करें, एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो अगेन इरेशनल नंबर आएगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है √2। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 3 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, और वो जो रूट है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है अगर हम 3 + √2 करेंगे, ये जो आपको नंबर अभी मिला है इस नंबर को क्या कहते हैं, इस ये नंबर हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल। को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर हो, अगर हमारे पास दो नंबर हो और दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दो नंबर्स को प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो वो दोनों नंबर अगर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी क्या होगी, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है, और दूसरा नंबर है √3। ठीक है, अब ये आपको पता है कि जो 4 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इनकी जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ये 4√3 हो जाएगा। 4√3 आपको क्या मिला, 4√3 अगेन एक इरेशनल नंबर मिला। मतलब इस थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है ये, अगर दो नंबर्स हो मल्टीप्लाई करें रेशनल और इरेशनल, उनका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ रहे हैं कुछ क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। अब हम एक ट्री बना रहे हैं
ट्री डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम से हम सीखेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। सबसे पहले टॉप पे आता है रियल नंबर। क्या आता है? एक रियल नंबर होता है और उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को कहते हैं हम रेशनल नंबर, ओके, एक रेशनल नंबर होता है और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर होते हैं, जैसे आपके पास एक नंबर है 2, 4/5, ये एक रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल देखें, √2π एक इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की अगेन दो टाइप्स आती हैं। अगर हम रेशनल नंबर की जो है अगेन हम क्लासिफिकेशन देखें कि वो अगेन दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है इसमें इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स आपको पता है वो क्या होते हैं, 0, ±1, ±2 और आगे कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। और दूसरी टाइप इसकी होती है फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस आपको पता है फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? फ्रैक्शंस जैसे हम देखते हैं 4/5, −5/9, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स पे अगर बात करें, इंटीजर्स में तीन तरह के नंबर होते हैं। अब अगेन हम इंटीजर्स को अगर खोलेंगे तो उसमें तीन तरह के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, एक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मतलब 1, 2, 3। दूसरा होता है 0, ठीक है, दूसरा होता है 0। और तीसरा होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। वो क्या होते हैं? जिससे हम लिखते हैं −1, −2, −3, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिख दिया। अब फ्रैक्शंस में भी इसी तरीके से दो टाइप्स होते हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स को देखें, ये होते हैं दो टाइप्स में डिवाइडेड। एक होता है इसमें डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा होता है कॉमन फ्रैक्शन, ठीक है। अब डेसिमल फ्रैक्शन में, अगेन डेसिमल में क्या आता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। अब यहां पे कॉमन में क्या आता है? अब अगर हम कॉमन फ्रैक्शंस को देखें, कॉमन फ्रैक्शंस में आते हैं, एक आते हैं प्रॉपर, एक आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस और दूसरे आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। अब यहां पे अगेन हम इसको अगर देखें, पॉजिटिव रियल नंबर्स को, पॉजिटिव रियल नंबर्स की अगेन अब अगर हम पॉजिटिव रियल नंबर्स को देखें, पॉजिटिव रियल नंबर्स के अगेन क्लासिफिकेशन है। पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या आते हैं? अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगेन तीन टाइप्स आते हैं। वो क्या आते हैं वो देखें, वो उसमें एक होती है प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है। और दूसरा होता है 1, दूसरा होता है 1, जिसको हम 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा होता है कंपोजिट नंबर्स, तीसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट कैसे होते हैं? जैसे 4, 6, 8, 9 एटसेट्रा, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगेन दो टाइप्स आते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी, यहाँ पे ये चीज रिपीट हो रही है। कौन से दो टाइप्स होते हैं? पहला टाइप वो होता है रिकरिंग। क्या होता है? रिकरिंग। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जो नंबर्स की होती है। अब रिकरिंग कैसे होते हैं? जैसे हम लिखते हैं 0.333, आगे कंटिन्यू होता है। नॉन रिकरिंग जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.1415 और ये आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये थी आज की टॉपिक। आज की टॉपिक में हमने पढ़ा रियल नंबर, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसकी क्लासिफिकेशन देखी और एक ट्री डायग्राम बनाया, जिसके जरिए हमने सीखा कि रियल नंबर की क्या क्लासिफिकेशन होती है। तो आज के लिए इतना सबक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।